कल रात भर नींद ना आई। सबेरे आंख लाकर तेज से उठे में देर हो गई। प्रज्ञा दीदी बुलाओ तारी तहरा के। आई नहीं दादी। तू आ गई लू बेटा, अब तबीयत ठीक बा ना? जी। चल आवा, आजा बैठ जा। दादी ये दूध बहुत गर्म बा, हम थोड़ा ठंडा करके ले आवत बानी। कौनो बात ना, हो जाए ना ठंडा। सैंडविच भी सख्त बा, आज हम दूसर ले आवत बानी दादी, दूसर खा। अरे गुड मॉर्निंग दादी। हम सोचत रानी के काफी टाइम से तू लोग कहूं घूमे ना गेलू। अगर आप लोग के कहीं जाए के बात अब हम के कहीं नहीं के जाए के। हाँ, अगर तू और प्रज्ञा जाइब तो हम हो साथे चल चलब। लावा बेटा लावा। अब एक करता हम के इतना आदत हो गई बा कि एकरा बगैर हम रहिए नहीं खी सकत। चल बैठ बैठ। ना दादी हम बाद में हम। अरे बैठ बेटा, तू है ने आव, बैठ। चल बैठ हमरा पास। अब बेटा तनी दही पास करी है। जी दादी। गुड मॉर्निंग। बस अब और नहीं खे देख सकत। हाथ आयल अपॉर्चुनिटी के हम ऐसे नहीं खे जाए दे सकत। ये तमाशा अगर ऐसे चलत रहल ना तो दादी नौ के जाए दिए और ना हमके आवे दिए। दादी के तो झटका देवी के होके। बाद में चेक कर ले, पहले नाश्ता तो कर ली ही। ये हो ठीक बा। सॉरी अभी, बट आई हैव टू डू दिस। कैसे बोली दादी के, कितना खराब लगी उनका सच जान के। बाकी सच जानना के बाद हम एके यहाँ भी तो नहीं खे रोक सकत। कहा करी, हम आपकी परेशानी और मजबूरी दोनों समझ सकत बानी। हमके ही मौका देके यहाँ से जाए के होगी और इस तरह कि क्योंकि कुछ पता ना चले। दादी दादी हम आपके खातिर गरम गरम सूप ले आवत बानी। हम घरे तो जा रहल बानी, लेकिन वो अजय की माँ से का कहब। कुछ दिन तो रह ले, लेकिन ओकरा बाद सुरेश से बात करी, शायद वो हमार कहीं रहे खातिर इंतजाम कर देवे। बाकी कब तक, एक न एक दिन तक घर में सभी के पता चलिए जाई। कहा करी, कैसे बताई। ई का कर रहल बाड़ू तू, काहे कर रहल बाड़ू ई, काहे हमार मुश्किल बढ़ावत बाड़ू तू। एक तरफ हमके समझ में नहीं आवत कि तुहार असलियत दादी के कैसे बताई, और ऊपर से उनकर केयर के झूठा नाटक करके तू उनके कमजोर बना रहल बाड़ू ताकि ऊ तोहरा के घर से जाए ना दे।
या उनकरा जब तुहरा सच पता चले तो उनकरा और बुरा लगे पाना। इनके एमएमएस मिलक की ना, और अगर मिलक तो देख ली का है ना अभी तक। ओहो दीदी, आप इंटरनेट पे चेक करनी कि अभी के कॉन्सर्ट कितना धूम मचा रहा बा। देखत बानी मैसेज आयल रहे, देखत बानी अरे ये तो वीडियो है। काका अबे देखी देखी शायद अभी के कॉन्सर्ट के होखी। दूर जाए के दुख बा, बाकी खुशी भी। यहां से जाई तो आपसे जुड़ल अच्छा याद लेके जाई। दादी गर्मा गर्म। ए वीडियो ना ना ये झूठा। ये नहीं खे हो सकत। प्रज्ञा हमार बहू, हमार घर की इज्जत। हमार भरोसा। दीदी दीदी दीदी, दादी कहो गए आपके दादी, पानी लेके आवा पानी। दादी आंख खोली, दादी दादी आंख खोली, भैल कपा दादी के। भाई भाई देखी ना दादी के कहो गए भाई। दादी 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 आंखें खोली, दादी 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 आपके अभी आ गए, दादी दादी आंख खोली हम अभी। दादी आप कहे कुछ बोलत नहीं थी ना, दादी आप कहे कुछ बोलत नहीं थी। आलिया कहा हो गए दादी के, दादी आलिया दादी के सांस नहीं के चलत ना। भाई ऐसा नहीं हो सकत दादी। भाई सांस लेता रही, आई थिंक शी इज अनकॉन्शियस, हम इनके रूम में ले जाता नहीं। और आकाश डॉक्टर के बुलावा। डॉक्टर साहब हम आकाश बोल रहा बनी। दादी दादी आंख खोली, दादी दादी के उठाओ, दादी दादी उठा भाई, दादी दादी उठा, दादी आराम से दादी। दादी कहा हो गए आपके, आंख खोला दादी। अरे कहा हो गए दादी आपके, अभी आपसे बात कर रहा हूं बा, प्लीज आंख खोली दादी, दादी आंख खोला दादी। इंद्री ठीक तो हो जाए, ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर के का भेल? बस थोड़े देर में आ रहा बड़े। दीदी दीदी हिम्मत रखी, दीदी हिम्मत रखी, अभी हौसला रखा बेटा, सब ठीक हो जाए, दीदी अच्छा हो जाइए बेटा। हौसला रखा, अभी सब ठीक हो जाए। Thank you.
हमके बतावा कि दादी के वीडियो के भेजलस। हमके का पता, तू हमरा से काहे पूछ रहल बाड़ू? तोहरा से ऐसे पूछ रहल बानी काहे कि वो वीडियो सिर्फ दो लोग के पास रहे, तोहरा पास और हमरा पास, और यही वजह से वो वीडियो हम मिताली भाभी तक के ना भेजनी। तो फिर जाहिर से बात बा कि अगर हम नहीं भेजले तो वो वीडियो तू भेजले बाड़ू, और तू कहता रू क्या वो वीडियो नहीं को भेजले? टेल मी द ट्रूथ तनु, वो वीडियो दादी तक कैसे पहुंचल, कैसे देख ली वो दादी, हमके बतावा तनु। तनु हम तारा से पूछनी वो वीडियो दादी के भेजला, टेल मी द ट्रूथ। हां वो वीडियो हम भेजले बानी, काहे कि हम नहीं के था। तनु तू वीडियो दादी के भेजलू? हाउ कुड यू डू दिस, कैसे कैलू तू ई? दादी के हालत देखलू तू, कैसे तड़पत रही वो, भाई कितना शॉक में रहलन, कैसन हालत में पड़ल रही हमर दादी और तू, कितना सेल्फिश हो गेलू तू, कितना सेल्फिश, हाउ कुड यू डू दिस। तनु लिसन, हम जा का करता रू? हम के लगल की दादी से देख कमरा में बड़ी, जॉन तू कैले बाड़ू, ओकरा खतरा हम तोरा कबो माफ ना करब, अगर दादी के कुछ हो गए ना तो हम तोरा के बता रहल बानी। डिस्कस्टिंग, डैम, हम के लगल वीडियो देख के दादी के गुस्सा आ जाए, बाकी ना उनके तो हार्ट अटैक आ गई। चला शायद दादी की हालत देख के अभी चश्मेस के घर से निकाल देवे। का देखे आयल बाड़ू, क्यों जिंदा बाड़ी की ना? हम सिर्फ दादी के नाम भी मतला उनकर, उनकर ही हालत ना तोहरा वजह से भइल बा, ऐसे हमरा सामने झूठा कंसर मत दिखावा। अगर तेरा थोड़ा से भी फिक्र होत ना तो तू ये काम ना कर दो। यह तो तू चाहत रहलू ना दादी के सीरियस हालत में देखल, धमके तकलीफ में देखल, अब मजा आवत हो कि ना तोरा के? तो यहाँ काहे खड़ा बाड़ू, जा जाके अपन आसिक के साथ सेलिब्रेट करा, लेकिन हमके अपन शक्ल मत दिखाइया। तू गलती हम कहनी के तरह के तोरा एक रात खातिर ही घर में रुकनी, लेकिन ये गलती हम दोबारा ना करब, ना कर भूमि गलती। एक बार डॉक्टर आ जाए ना तो ओकरा बाद हम तोहारू हाल करब के तू तू देखत का बड़ो। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। तू फिर अभी बेटा अपना आपके संभाला, दीदी अच्छा हो जाइए, अगर तू ऐसा कर बता और लोग के कैसे संभल बे बेटा तू? हाँ भगवान पे भरोसा रख बेटा। तासी ओबा वो वीडियो के भेजल रहे के उस शुभचिंतक के नाम से रहे। दीदी उस शुभचिंतक ना हमने के दुश्मन रहे, वो दीदी के उम्र के लिहाज भी ना कैलस। बस अब डॉक्टर आते हो की? हाँ। यह तो चाहत रहलू ना तू, दादी के सीरियस हालत में देखल, हमके तकलीफ में देखल, अब तो मजा आ रहा हो कि ना तोरा के? तो यहाँ काहे खड़ा बड़ो, जाके अपन आशिक के साथ सेलिब्रेट करा, लेकिन हमके अपन अपन सकल मत दिखाइया। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। हम दादी के ये हाल में छोड़ के कैसे जा सकत बानी? उनके कुछ हो गल तो हम खुद के कबो माफ न कर पाई, और हम जब तक डॉक्टर नहीं किया जात हमके पता नहीं कि चल जात कि वो ठीक बाड़ी। कितना भी गुस्सा कर लेस, हमके मार भी लेस, तब वो हम ना चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर हमार दादी के का हो गेल बा, प्लीज इनकरा बचा ली।
इनके कुछ हो ना जाए, डॉक्टर हम आपके आगे हाथ जोड़त बनी, प्लीज हमारे दादी के ठीक कर। रिलैक्स रिलैक्स, लेट मी चेक। अभी बेटा हमनी के वो इंसान के खोजे के चाहिना जोन दीदी के वीडियो भेज ले रहे। दासी जौनी वीडियो भेजल बा ओकरा, ओकरा साथे ये इम्पोर्टेंट बा कि क्यों वीडियो में का बना दासी। आज आज वो प्रज्ञा के वजह से हमार दादी के ही हालत भइल बा। हम ओके कबो माफ ना कर पाए दासी। हमके ना हमार दादी के धोखा दिले भी हमसे ज्यादा तकलीफ वो दादी के पहुंचे ले भैया। वो दादी जे हमारे मॉम डैड के डेथ के बाद हमके पाल पोस के बढ़ा के लिए जे हमके जिंदगी दे ले वो आज अपन जिंदगी खातिर। दासी हमार हमार दादी हमरा खातिर सब कुछ है, और जकरा वजह से हमार दादी की हाल भइल बना हम उसे होकर सब कुछ छीन ले। दासी प्रज्ञा हमार हमार माफी के लायक नहीं के, वही ये घर में रहे लायक नहीं के। ओके अभी है वक्त ये घर से जाए के होखी दासी। अरे ना ना अभी ओके तो घर से निकाले के सोचिए अभी मत। तो के याद नहीं के दीदी बेहोश होए से पहले का कहले रही, हमार प्रज्ञा ऐसा नहीं के कर सकत। एकर मतलब ई भइल जे कुछ भइल उ देख के उनके विश्वास नहीं के हो रहा बेटा। दासी उनके विश्वास नहीं के कहे क्यों विश्वास नहीं के करे चाहत, लेकिन वीडियो में जे भी कुछ बहु की ओके झुटलाइल पे तना जा सकेला ना। अभी ऐसा भी तो हो सकता उ नजर के धोखा होखे। प्रज्ञा के प्यार और भरोसा दादी के आंख खातिर धोखा बा। अब सच्चाई जे भी होखे अभी जब दीदी होश में आई है प्रज्ञा से बात करे चाहिए तो हमने का जवाब दे बेटा। दासी तब के तब देख लिया जाए, हम दादी के फोन पे बात करवा देब, लेकिन जौन प्रज्ञा कहिए भी आना एकरा बाद ओकरा ई घर में रह के कोनो हक नहीं के। अभी अभी दादी कैसन बाड़ी? डॉक्टर चेक करल बाड़ी, अभी तक कुछ बताई ली ना। हम तरह से पहले ही कहले रहे क्योंकि घर से बाहर निकाल दे बाकी ना, देखला एक रात रोके के नतीजा। लेकिन अब हमके ही पता लगावे के बाकी वो वीडियो दादी के भेजले की है, फिर प्रज्ञा के साथ हम ओकरा भी ना छोड़ब। अभी हमने ओकरा बारे में बाद में सोचल जाए, पहले ओकरा बारे में सोचल जाए जेकरा वजह से दादी की हालत भइल बा, ओकर जिम्मेदार भी। और तू अभी भी उकरा घर में रख ले बड़ा? हम उकरा भी घर में रहे ना देव। कि डॉक्टर आइले का कहले हो दादी ठीक तो बाड़ी ना। चुपचाप चलो हमरा साथ। कहले जा रहल बानी अब हमकी? हम कहले रहने न तरह से कि एक बार डॉक्टर आ जाए उकरा बाद हम तोरा ही घर में रहे ना देब। हम खुदे चल जाए अब हमकी, बस एक बार दादी से मिलने भी दी, बस एक मिनट खातिर मिला हम, बस देख ले कि वो ठीक बाड़ी की ना। हमको चल जाए प्लीज। माफ कर दीप दादी,
इतना इतना भरोसा, इतना उम्मीद के सहारे हमके एक घर में बहू बना के ले रही, लेकिन हम आपके भरोसा ही ना रख पाई। आप हमके परिवार के ख्याल रखे की जिम्मेदारी देनी और हम आपके ख्याल ना रख पे। आप हमारे हर हाल में साथ देनी और आज जब आपके हमारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत बा, हमके यहाँ से जाए पड़ रहा बा। हमके ऐसे लगत रहे जैसे जैसे जिंदगी से जी कुछ भी मांगनी वो मिल रहा बा, लेकिन हमार किस्मत में खुशी है ये नहीं कि कोनो खुशी मिलेला तो सिर्फ तकलीफ ही देवेला। लेकिन लेकिन हम फैसला कर ले ले बानी दादी, अब चाहे हमके कितना भी तकलीफ होके आके या इनके हम कौन तकलीफ ना होके दे, जब आप आंख खोलब तब हम आपके सामने ना हो खब। हम जा रहे हलबानी दादी, उसे के दम के माफ कर दे। फाइनली ये बहन जी घर से जा रहल बिया। अगर पहले चल जाई तो कम से कम ये कैरेक्टर लेस होके के धब्बा तो ना लगी बेचारी के नाम पर। बाकी अच्छा ही भाई लालिया, एकर असली चेहरा सभी के सामने आ गई। अब बेचारी क्यों के चेहरा दिखावे के लायक भी ना रही। हमारे यहाँ आवे से जोन आपकी तकलीफ भइल बा ओकरा ला हो सके तो माफ कर दी, लेकिन आज के बाद आपकी कभी तकलीफ ना होगी। काहे की आज के बाद आप हमको कभी घर में न देखो। I think it's one of the best days of my life। जोन दिन हमार अभी से शादी होगी तो उस दिन से ज्यादा हम ई दिन के याद रखब। रुक जाए प्रज्ञा दी,
ये तो का करत रहा अभी? हाउ कुड यू बिलीव ऑल दिस? तू भी वो वीडियो पर विश्वास कर लेला? तोर हिम्मत कैसे भईली घर में आवे के? और तू बाड़े के हमार फैमिली मैटर्स में बोले वाला? तू जानत बाड़े के घर में फ्रॉड लोग खातिर कोनो जगह नहीं के ऐसे। तू और प्रज्ञा अभी ए वक्त ही घर से निकल जा। करा अभी हमके जॉन बोले के बोला, लेकिन प्रज्ञा दी के बारे में कुछ मत बोला। वो वाइफ है तोहार, केहू और करे ना करे, बाकी तू तो उन पर भरोसा रखा। वो हमरा भरोसा लायक नहीं के पूरा, वो केहू के भरोसा लायक नहीं के। और अगर यह बात दादी के बारे में कोई कहले हो खत्ता, ए पूरा का भेल? सच ना सुन पहला ना अभी। अगर ये सच बात, यो सच बा की प्रज्ञा दी और दादी एक के बैकग्राउंड के बाड़ी, दोनों के परवेश मिडिल क्लास बैकग्राउंड में भेलवा। शायद ही से दादी के प्रज्ञा दी पहले नजर में पसंद आगे रही। दादी यह चाहत रही कि उनके जैसन की वो ये घर के बहू बने, तभी वो तुम्हारी शादी प्रज्ञा दी से करवाईली। तो जानत बड़ा ना, जानत रहा ना कि दादी अपना आप से प्रज्ञा दी पर भरोसा करेली। अगर वो यहाँ उगती तो इनके घर से कबो ना निकलती, जान के भी तू ऐसा करत आड़ा। लेक्चर दे देला तू? अभी सोचला कि दादी यहाँ पर मौजूद काहे नहीं की? पूरब पूरब दादी यहाँ पे ऐसे नहीं की खड़ा काहे की? दादी दादी एकर वीडियो देख ले ली और दादी के हार्ट अटैक आ गई बा। दादी के हार्ट अटैक आ गई बा? कितना प्यार कैली दादी एके, इतना भरोसा कैली एकरा पर, लेकिन ये दादी के भरोसा तोड़ देले, विश्वासघात कैले उनका साथे। तू जानत बड़े पूरब की हमरा खातिर हमार दादी कहाँ है, और जेकरा वजह से हमार दादी की हालत भइल बना, ओकरा हमें घर में तका अपना सामने एक सेकंड भी ना खड़ा रहे देव। एक सेकंड अभी रुक जा। का दादी वो बात मान ली जो तू लोग बोला था? और का दादी इतना प्रज्ञा दी की बोली जितना तू लोग बोला था? बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं थे, वो तो बेहोश होके से पहले प्रज्ञा से बात कर चाहत रही। अगर वो ऐसा होती ना तो उहे करती जोनी हम कर रहल बानी। ये बहन जी के घर से बाहर निकाल देती, कहे कि ये घर में रहल डिजर्व ही नहीं खे करत। रैदर ये तो एगो औरत कहे के लायक नहीं खे। रियली आलिया, तब तक केबा औरत कहे के लायक? तू जिकरा में ना औरत के दिल बा और ना ही औरत के फीलिंग्स। आलिया औरत ऊ होके ले जो दूसर औरत के समझे ले और ओकर मदद करे ले। एगो अच्छा औरत ऊ होके ले जेगो अच्छा बेटी होके, अच्छा पत्नी होके, अच्छा बहन होके प्रज्ञा दी सब रिश्ता निभौली। लेकिन तू तू औरत होके के एको फर्ज ना निभैलू आलिया। यहाँ के सही बा और के गलत बा बोले वाला तू के होत बड़ा? तू आलिया के दिल तोड़ ले बड़ा, एगो दोस्त के भरोसा तोड़ ले बड़ा। और एक बात और, तू ही फैमिली के मेंबर ना हो तो तोरा बोले के कोनो हक नहीं। अगर हमार हक नहीं के तो तू काहे बोला था? तू भी ये फैमिली के मेंबर ना हो तनु तुहार कोनो हक नहीं के बोले के काहे की? अगर हम तुहार रिश्ता के बारे में बोले लगनी ना तो यहाँ से जाए वाला सबसे पहले तू होकबू। लिसन तनो, पूरा प्लीज तू कह जगह रहल बड़ा हमरा ला। हम वाकई घर में रहे लायक नहीं की। एक घर से हमारे रिश्ते को पत्नी और बहू के ना बल्कि प्यार और विश्वास के रहे। जब वो है नहीं कि तो हम यहाँ रह के कहा कर यार ये सब लोग के देख तो वो सब बात याद आई और क्यों उसे नजर मिला वे लायक ना रहा। हम सब सह सकत बानी, सब सुन सकत बानी, लेकिन कैरेक्टरलेस होके गिरल जाम हम। प्रज्ञा दी आपके अपना ऊपर इल्जाम लेवे की जरूरत नहीं है, कह के हमार नजर में आप हर रिश्ता के लायक बनी, इज्जत के लायक बनी और घर में रहे के भी लायक बनी। पत्नी है आप अभी के प्रज्ञा दी? कोनो खरीदल सामान है जेके जब चाहे घर से निकाल के बाहर फेंक देखे हो? और अभी तू इनके दादी लेके आई रही ना है घर में, इन पर ना तो कम से कम दादी पर तो भरोसा रखा कि तुम्हार फैसला क्या है कि दादी भी झूठ पड़ गई? अभी दादी जौन हालत में बाड़ी ना, उनके सबसे ज्यादा जरूरत प्रज्ञा देखी बा और तू उनके घर से निकाल रहा बाड़ा। तो तहार कहे के मतलब का बा कि हमने दादी के ख्याल नहीं रख सकत? नहीं खो रख सकत, तू लोग में से क्यों नहीं खे रख सकत? ये का हो गया अभी तोरा के? भुला गया तू दादी की कंडीशन? कितना बीमार रहत रही हूँ, अच्छा इलाज करेनी, कितना देखभाल करनी है, बाकी हूँ
वो कबो पूरा तरह से ठीक ना हो पहली, लेकिन जौना दिन से प्रज्ञा दी घर में आई ना, वो दिन से लेके आज तक दादी कबो बीमार ना पहली, कभी भी ना। और हाँ, तू जाना तड़ा हमी काहे कह रहल बानी। और आप सब लोग सीधा इन पर इल्जाम लगे ले बानी ना, और केहू का एक बार भी सोचलस कि आखिर वो MMS के बनेलस और कब बनेलस। वो वीडियो के देख के साफ पता चलेला कि ओके शूट करे वाला यही घर में रहे, बाकी फैमिली वैसे तो केहू शूट नहीं केलस, तो फिर के केलस और वो बाहर से अंदर कैसे आई। और वो ये वीडियो फैमिली मेंबर्स के ही काहे भेजलस, आफ्टर ऑल प्रज्ञा तोहार वाइफ है, अभी के वाइफ, स्टार वाइफ। वो चाहत तो MMS मीडिया में बेच के रातों रात अमीर हो सकत रहे, या प्रज्ञा दी के देखा के ब्लैकमेल कर सकत रहे, बाकी वो ऐसा कुछ ना केलस। और भी बात जो बतावल चाहता नहीं लेकिन बोलल नहीं चाहत हम, एक बार सोच के देखिए आप लोग, फिर भी कोनो बात याद ना आवे ना, तो दादी के बात के याद करी, उनके शब्द के याद करी। और अभी तू दादी बात कर चाहत रही ना प्रज्ञा दी से, जब दादी होश में ही है और उनके उनके पता चली कि तू प्रज्ञा दी के घर से निकाल देने बड़ा, तब कहो कि अभी अगर उनके फिर से अटैक आ गया तब तू का करवा, किकरा के ब्लेम करवा, खुद के ना। आसान टारगेट तो प्रज्ञा दी बाड़ी और वो तो घर में होके अन बिना, तब तीनों मिलके उनके ब्लेम करिया। अब तरह ही बात से कोनो फर्क नहीं खे पड़े वाला, काहे कि अभी सोच ले लेबा, अभी प्रज्ञा यहाँ से जाई। चौबीस घंटा बाद तोहरा पास खुद के बेगुना साबित करे खातिर, अगर 24 घंटा के अंदर तू खुद के बेगुना साबित ना कर लू ना, तो तारा खुद ये घर छोड़ के जाए के होगी। ये इतना आसान नहीं के होके वाला, कहे कि तहरा गुनागार होके के सबूत बा हमरा पास, एक खातिर तहरा बेगुना होके के सबूत लावे के पड़ी तोरा। का करत नहीं भाई आप? भाई आप अच्छा से जाना तनी कि कितना चलाक है वो, ये कोनो न कोनो बहाना ढूंढ लिया और फिर बोली कि सब कुछ झूठ रहे, फेक रहे। भाई और आप अच्छा से जाना तनी, सी इज वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, और रह के आपके फिर से टॉर्चर करी। और भाई आप ये पूरब के बात मानो तनी, आलिया ये सब हम पूरब खातिर ना, अपन दादी खातिर कर रहा बानी। कहे कि चाहे जैसन भी होके हमार दादी भरोसा करे लिए पे, और वह भरोसा खातिर हमें को आखिरी चांस दे रहा बानी के। थैंक यू अभी, तू बिल्कुल सही फैसला। तोरा जोन कहे के रहे ना, तू कह दे ले। अब तोरा कहे खातिर कुछ बाकी नहीं खे पूरब, यू कैन लीव। 24 घंटा में अगर तू अपन बेगुनाही साबित ना कैलू ना, तो ओकरा बाद अगर भगवान भी तोहार गवाही देंगे ना, तब हम उनकर ना सुनाब। पूरब, What the hell did you do inside? तू बहन जी के साइड काहे ले ला पूरब? Just because you बुलबुल के बहन हिया? Oh I see. तो तू अभी ओकरा से प्यार करे ले ना? ओकर याद आ रहल बता रहा? आलिया याद ओकर आवेला जिके भुलावल जाला। प्यार करे ला हम बुलबुल से। तोरा तरह प्यार के शो ऑफ ना करे ला हम। ओकर लाइफ के मैनिपुलेट ना करे ला जैसे हम प्यार करे ला। वो तू करे लो because you are sick. आलिया हम बुलबुल से प्यार करत रह, नहीं करे नहीं करत रह, बाकी ये बात तू ना समझ पेबू कहे तू? तू नहीं खा समझ रहल पूरब कि तू हमरा से प्यार करेला। आलिया गलत फहमी में रहल बंद करा, तू हमरा से प्यार ना करेलू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये तोरा ले भी अच्छा होगी, तोहर परिवार खातिर भी, जितना जल्दी तू ये बात समझ जा।
शायद हम और बुलबुल कभी एक ना होखी और शायद हमने के शादी भी ना होखे, बट आलिया हम ओकरा बिना जीएल सीख चुकल बानी। ओकर प्यार के साथ जीएल सीख ले बानी और ई बात तू जितना जल्दी समझ जेबू उतना अच्छा होखी तोरा खातिर। कहे तू अपन और हमार टाइम वेस्ट कर रहल बाड़ू, हमार माना ता हार मान लो और चल जाए यहाँ से। कहे कि तू कोनो सबूत ना ढूंढ पाइबू और 24 घंटा बीत गया के बाद आज से ज्यादा बेइज्जत होके निकलबू यहाँ से। तेरा हमार फिकर करके कोनो जरूरत नहीं के और हार जीत की सवाल ही पैदा नहीं किए होत। कहे कि हमरा लगी कोनो चैलेंज ना बल्कि एगो मौका बा दादी के सही साबित करे के, ई साबित करे के कि वो जोन फैसला ले ले रही एक घर के बहू बनावे के वो गलत नहीं खे। हम ये अपना लाना इनका ला कर रहल बानी, कहीं ना कहीं इनके भी लागत बा कि वो वीडियो फेंक बा। और जब केहू के उम्मीद केहू के भरोसा मिल जाला ना तो केहू के खराब नियत बिल्कुल काम में ना आवे। यही वजह से उनकी तकलीफ पहुंचल बा, हम वो तकलीफ के तसल्ली में बदल के रहा। तो शराब शायद तू ठीक से सुन लू ना कि अभी का कलक ओके सबूत चाहे जोन तू कबो ना ला पाइबू। ऐसे यहाँ से चुपचाप चल जा, अगर तेरा साथे भइल होगी तो तू चुपचाप चल जाई तू, लेकिन हम तेरा जैसे ना हई। हमार नजर में हमार और हमार परिवार के इज्जत के बहुत कीमत बा, ओके बचावे खातिर हम कुछ कर सकत बानी। दादी दी फोन ही नहीं उठा रहल, पता ना वहाँ का हो रहा हो। अरे तू धीरे बोल, उसल्ला घर में आ गए भैया, सुन ली तब। हम ना प्रज्ञा दी के घरे जात बानी और पता करत बानी वहाँ का हो रहा बा। ठीक बा, हम अभी कल हो गई पड़े तू पता बाना सरला के कितना खराब आदत है कि पूरा दिन वो घर में कमरा ही चेक करत रहे ले। हमार ख्याल से एक बार तू प्रज्ञा के फिर से फोन लगावा, शायद लग जाए। ठीक बात दादी। हाँ बुलबुल। हेलो दी, दी तू ठीक तो बाड़े ना? जानत बाड़े हमने की कितना टेंशन होत रही यहाँ पर, ये सोच के क्यों आसा? देख माँ के कुछ पता नहीं कि चलल ना अभी तक ना, माँ से हमने सब कुछ छुपा के रख ले बानी, लेकिन दी वहाँ सब ठीक बाना? जीजू का कहले तो से वो हमके 24 घंटा के वक्त दे ले बाड़े, 24 घंटा में पूरा जिंदगी बचावे के बा। मतलब हम समझ ली ना बुलबुल, वो वीडियो वो दादी देख ले ली और उनकर हालत बहुत खराब बा। हम ओके रोकत बानी, तू इसे बात कर। दादी की हालत में देख के इनकी बहुत गुस्सा आई और ये हमके घर से जाए के खातिर कह देले, लेकिन एन वक्त पर पूरा आ गई। पूरा का पूरा भी सब कुछ का लग? हाँ बुलबुल, वो इतना बड़ा रिस्क ले लग, वो इनका सामने आयल सिर्फ हमके बचावे खातिर। हम नहीं की जानत तू अब ओकरा बारे में का सोच ले, लेकिन हमके लागत बा वो अभी तोरा से प्यार करेला। सिर्फ तोरा ला प्यार ही बा जिकरा वजह से वो हमार मदद करे आए। कहे कि जैसे तू प्यार करेले ओके वो तकलीफ में नहीं की देख सकत, ऐसे वो हमार मदद कैलक। हमके खुशी बा कि ओकरा वजह से हमके एगो मौका मिलल। लेकिन बुलबुल तू दोनों के सिर्फ हमरा वजह से अलग होके की पड़ल। दी प्लीज तू इस सब के बारे में अभी मत सोच, तोरा पास सिर्फ 24 घंटा बा। तू कुछ भी करिए लेकिन अपना आपके इनोसेंट प्रूफ जरूर करिए। तू इज्जत के साथे उ घर में गैल रहा तो के इज्जत पावे की पड़ी दी, चाहे उकरा ला तो के कुछो करे की पड़ी। तू ठीक कर रहल बड़े बुलबुल, हम अपन और अपन परिवार की इज्जत पर कौनो दाग ना लागे देब। जौन गलती हम कैले नहीं की ओकर सजा हम ना भुगतब। हम अभी रखत बानी। हां ठीक बा।